प्यारे की जय। प्रथम लागु दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिना। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातुना। पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। जब सत सुख लाग्यो रंग, तब क्यों रहे झूठे को संग। जब धनी सो उपजो सत स्नेह, तब क्यों रहे झूठी देह। तब क्यों रहे झूठी देह, जब सत सुख हृदय में आवे। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण में दर्शाया है कि जब सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में अखंड प्रेम हो जाता है, सत स्नेह सच्चा प्रेम हो जाता है। पीछे तक आवाज जा रही है? पीछे आवाज आ रही है? हाथ उठाए। जब उस सच्चिदानंद परब्रह्म से सच्चा प्रेम हो जाता है, तो ये झूठे शरीर से संबंध नहीं रहता। क्यों रहे झूठी देह, इसका आशय क्या है? मानव की चित्तवृत्ति संसार में फंसी हुई है, और जब तक संसार में उसका मन लगा है, चित्त लगा है, बुद्धि लगी है, तब तक माया का ये बंधन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म का एक ही लक्ष्य है, इस प्रकृति से परे ले जाकर अखंड सुख में विहार करा देना। जब उस प्रीतम का सच्चा प्रेम मिलेगा, सच्चा सुख मिलेगा, जब सत सुख हृदय में जब आ जाता है, तो क्या होता है? जब सत सुख हृदय आए तो अरवा तभी निकस जाएंगे। अरवा तभी निकस जावे। जब सत सुख हृदय में आए तो अरवा तभी निकस जाए। और जब सच्चिदानंद से परब्रह्म से सच्चा प्रेम हो जाता है, तो शरीर से संबंध नहीं रहता। इसका आशय क्या है? देखिए, सुख का भोक्ता कौन है? अंतःकरण, जिसको हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं। एक मेढक है, वो पानी में भी रह लेगा, जमीन पर भी रह लेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। मछली को पानी से निकाल देंगे तो तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देगी, उसको लगता है कि मैं पानी के बिना जी नहीं पाऊंगी। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, प्राणी होते हैं, जिनको जल में ले जाइए तो उनको कष्ट होता है, लेकिन मेढक दोनों में संतुलन कर लेता है। जब आप इस नश्वर जगत के अंदर देखेंगे विवेक दृष्टि से, जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उनको पता होता है कि संसार में वास्तविक जीवन क्या होता है। एक सामान्य प्राणी क्या सोचता है कि हम अपने मन को सुखी रख सकें। सुख किसको कहते हैं? जो मन को अच्छा लगे वह सुख है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता है वह बुरा होता है। जैसे जो लोग शहरों में रहते हैं, हमेशा वातानुकूलित कमरों में रहते हैं, एसी कमरों में रहते हैं, उनको किसी जैसे दोपहर की तपिश में पतले टेंट में रखा जाता है तो कितना कष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा जीवन जिया ही नहीं। कदाचित उनको भी ऐसा देखना पड़ जाए तो उसी को सहन करने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। इसलिए दुख क्या है? हर प्राणी दुखों से मुक्ति चाहता है। संसार में दुख क्या है? रोग का दुख है,
वियोग का दुख है, मृत्यु का दुख है, अभाव का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, दुख तो बहुत है। सुख क्या है? यहाँ जितने सब सुंदर साथ बैठे हैं, मैं पूछूं कि आप सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सुख चाहते हैं। लेकिन वो सुख कैसा सुख? आपको कोई भी इस संसार में अखंड सुख नहीं दे सकता है सिवा राज्य के। आपको सारी पृथ्वी का धन मिल जाए तो आप क्या सोचेंगे? अब मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसा कि सामान्य मनुष्य सोचता है, वो सुख का साधन क्या समझता है? पट पेर खाई चिकना, हिम जवीर सिंगार, हक लज्जय ताई मोमिनो, जिन दोनी करे मुर्दा। एक सामान्य प्राणी को देखिए, वो वस्त्र आभूषण से अपने शरीर को सुंदर दिखाना चाहता है। यदि संसार के ये जितने ज्वेलर्स हैं सबकी दुकानें बंद कर दी जाए तो जानते हैं क्या होगा? किसी को क्या अच्छा लगेगा? अच्छा ये बताइए, आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों देखते हैं? इसलिए ना, यदि आपका दर्पण में चेहरा सुंदर दिखता है तो आप खुश हो जाते हैं कि मैं सुंदर हूँ। यदि आपका चेहरा काला दिखने लगे, भद्दा दिखने लगे, तो आपको तनाव हो जाता है कि मेरा चेहरा ऐसा क्यों होगा। स्वयं को सुंदर दिखने के लिए तो इतने सौंदर्य के प्रसाधन बनाए जाते हैं। वह सोने चांदी के आभूषण, हीरे मोती के आभूषण लोग धारण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जीवा को तृप्त करने के लिए अच्छे स्वादिष्ट भोजन करते हैं। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, सबको सूखी रोटी दे दी जाए, बिना नमक का भोजन दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप उठ करके चले देंगे। आप उस भोजन में क्या खोज रहे हैं? सुख खोज रहे हैं। सुख किसको लगता है? मन को लगता है। बुद्ध के सामने सूखी रोटी रख दीजिए, 56 व्यंजन रख दीजिए, कोई अंतर है? कुछ नहीं। दुर्वासा ऋषि ने जैसे गोपियों का दिया हुआ 56 भोग भी खाया और एक तरफ 12 वर्षों तक दूप का आहार बनाया। उनको दूप के आहार में और 56 भोगों में कोई भेद नहीं दिखता, अनासक्त भाव से खा रहे हैं। क्योंकि जो सुख और दुख की परिधि से ऊपर हो जाता है वही वास्तविक ज्ञानी होता है। ज्ञान का लक्षण क्या है? जिसको अपने में और पराये में, मिट्टी में और सोने में, सुख और दुख में मृत भय भेद प्रतीत न हो, अभेदता की स्थिति बन जाए। क्योंकि जो अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है केवल वही ऐसा कर सकता है। जो बुद्धि से संसार में विचरण करता है वो क्या सोचेगा? कि जो हमारे हृदय को अच्छा लग रहा है वही चाहिए। जिसके हृदय में आत्मज्ञान का प्रवेश हो गया, जो ब्रह्म ज्ञान के सिंहासन पर बैठ चुका है, ब्रह्म ज्ञान की अखंड सुगंधि जिसके हृदय में हिलोरी मार रही है, केवल वही जानता है कि मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। इसी ग्रंथ में एक प्रकरण आता है, दुखरे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आज जब मेहर सागर का गोटा पढ़ते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? राजी, हमें हमारा ये कष्ट दूर कर दो। आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए ही तो मेर सागर का गोटा पढ़ते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। किसके लिए? दुखों से मुक्ति के लिए। राज्य को मत्था भी मंदिर में जाकर टेकते हैं तो क्या कहते हैं? कि राज्य मेरे सारे दुख दूर कर दो। और यदि परिवार में किसी को कोई कष्ट हो गया, आपके किसी संगे संबंधी को कष्ट हो गया, तो आप क्या कहते हैं? कि राज्य में मेर सागर का पाठ कर रहा हूं, ये जरूर हमारा कष्ट दूर हो जाना चाहिए। महामती जी का कथन इससे उल्टा है। वो क्या कहते हैं? दुखरे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो बुलाए। मैंने तो खुद राज्य से दुख मांगा है और मुझको प्राणों से भी प्यारा है। जैसे राज्य प्रिय है वैसे ही मुझे प्राणों से प्रिय कौन है? दुख। क्या संसार में कोई ऐसा मांगता है? लेकिन जिसको विवेक होगा वो वही दुख चाहेगा। मैं तो चाहिया सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर।
माया का झूठा सुख क्या होता करता है, हमें माया के बंधन में रखता है। आप जानते हैं, आप सोच सकते हैं इस संसार की बुद्धि से कि राज्य को चाहिए था कि कम से कम श्यामा जी को तो गरीब परिवार में नहीं पैदा करती। जो व्यक्ति जन्म से अमीर परिवार में पैदा होता है, अच्छा खाता पीता है, अच्छे वातानुकूलित भवनों में रहता है, अच्छे वस्त्र आभूषणों को धारण करता है, वो अपने को खुश समझता है, तो आप तो सोचेंगे कि राज्य से बहुत बड़ी भूल हो गई जो श्यामा जी को एक ऐसे गरीब में परिवार में पैदा किया भेजा जिसमें उनके पिताजी को गायों बैलों और घोड़ों का व्यापार करके अपना गुजारा करना पड़ता है। देवचंद जी के पास इतना भी धन नहीं है कि सारे परिवार के लिए अच्छा भोजन बन सके, तो अपने बांकी बिहारी को भोग लगाने के लिए कुछ अच्छा अलग से घी खांड चावल रख लेते थे। आप सोचिए उनके परिवार में कैसे गुजारा होता होगा। तो क्या हम सामान्य रूप से सोच सकते हैं कि देवचंद जी को अमीर होना चाहिए था? नहीं, मेरे कहने का ऐसा ये नहीं है कि अमीर होना बुरा है, लेकिन देवचंद जी साधारण परिवार में जन्मे तो घर द्वार छोड़ करके जाकर अपने प्राणेश्वर की खोज कर सके। यदि जन्म से ही राजघराने में पैदा होते तो चारों तरफ नौकर चाकर रहते, उनको घर से निकलना ही कठिन हो जाता। इसलिए राज्य जो कुछ करते हैं उसमें कोई ना कोई कारण होता है। यदि मिहराज पर आरोप लगते हैं कि मिहराज तुमने राज घराने का धन खा लिया और तुम्हें हफ्से में नजरबंद होना पड़ेगा, तो उसमें भी राज्य की मेहर है। यदि देवचंद जी प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं, मिहराज को व्यथित होना पड़ता है, तो उसमें भी राज्य की मेहर है। यदि लालदास जी के सभी जहाज एक दिन डूब जाते हैं, गोदाम में आग लग जाती है और लालदास जी कंगाल बन जाते हैं, तो उसमें भी राज्य की एक विशेष कृपा छिपी है। आप होते तो क्या करते? आप सोचते कि राज्य से प्रार्थना करते या पाठ रखा देते, मेर सागर का पाठ करते कि हमारे जो जहाज डूब गए हैं, जो गोदाम जल गया है, सारा धन फिर मिल जाए। लेकिन वो लालदास हैं, लालदास संग चले खाली लेकर आते, जो नष्ट हो गया उसके पीछे तरफ नहीं देखा, अपने प्राणेश्वर को रिझाने के लिए सब कुछ चाल देते। इसलिए सतसुख हृदय आए तो अरवा तभी निकस जाए। जब आपको परम धाम की अखंड आनंद की सुध आ जाएगी, हृदय में सुख आना, और सुख भी कैसा, अखंड सुख। देखिए, इंद्रियों से सुख की एक झलक मिलती है, क्षणिक सुख की। आप जीवा में कोई भी पदार्थ खाएंगे तो कितनी देर तक अच्छा लगेगा? थोड़ी देर के लिए। फिर पूछिए क्या आपको शांति है? जैसे आप इस सभा में बैठे हुए हैं, आपको जो भी संसार का सबसे स्वादिष्ट पदार्थ है उसको जीभ पर रखे रखिए, तो आनंद सुख थोड़ी देर के लिए मिलेगा। सुख और आनंद दोनों में अंतर होता है। सुख हृदय का विषय है, अंतःकरण का विषय है, और आनंद किसका विषय है? आत्मा का। समाधि में आनंद मिलता है, जो आनंद आत्मा को अनुभव होता है, हृदय को उसका कुछ अंश पहुंचता है। हृदय को जो कुछ अंश पहुंचता है, जीवा से उसको थोड़ा सा बताया जा सकता है कि अक्षरातीत के दर्शन का यह आनंद होता है। जैसे आपको अभी मैंने उदाहरण दिया, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो क्या आत्मा को आनंद होगा? आप कहेंगे कि नहीं, आत्मा को बहुत आनंद होता है। वो आनंद नहीं है, सुख है। सुख अलग है, आनंद अलग है। आनंद का अनुभव केवल आत्मा करेगी, सुख का अनुभव कौन करेगा? अंतःकरण। अंतःकरण के माध्यम से चैतन्य जीव कहिए या आत्मा कहिए, जो हमारा अंतःकरण है, ये इसका संबंध जीव से है। हमारे जीव को उस अंतःकरण के सुख का कुछ अनुभव होगा। समाधि में जो आत्मा को आनंद मिल रहा है, उसका कुछ अंश जीव को प्राप्त होगा, और उस जीव को जो प्राप्त होगा उसका कुछ अंश अंतःकरण को प्राप्त होगा। जो विषय जिसको हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, दुख का कारण है। जैसे एक
अफिमची को देखिए, उसको किसमें सुख मिल रहा है? अफीम खाने में मिल रहा है। तो क्या उसकी आत्मा को आनंद मिल रहा है? नहीं। शराबी को शराब पीने में सुख लग रहा है, लेकिन वह शराब पीना उसके लिए दुख का कारण बनेगा। विषयों में जो सुख समझते हैं, यदि विषयों का परित्याग कर देंगे तो उसे 16 गुना सुख मिलेगा। व्यास जी ने कहा है, यच्च काम चुके सुखे लोके यच्च दिव्यम मत तृष्णा क्षयात् न रहते षोडशी कलाम। संसार में जितना बड़ा से बड़ा सुख है, उस सुख की तृष्णा को छोड़ दीजिए तो आप उससे 16 गुना सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चाहे वेद व्यास जी कहें, चाहे मैं कहूँ, चाहे कोई भी कहे, क्या संसार इस बात को मानेगा? वो तो जो सामने दिख रहा है उसी को सुख समझता है। सारा संसार बाहर जगत में भ्रमण कर रहा है, अध्यात्म क्या कहेगा? आंखें बंद कर लो और संसार से परे हो जाओ। जब सतसुख हृदय में आए तो अरवा तभी निकस के जाए। जब राज्य से सच्चा प्रेम होता है तो क्या होता है? देह से नाता टूट जाता है। नाता टूटने का तात्पर्य नहीं कि शरीर छूट जाना, शरीर का मोह समाप्त हो जाना। जैसे हम सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी घटना का दृष्टांत देता हूं। औरंगजेब की एक बेटी थी जो दारा सिखों के संपर्क में रहकर उपनिषदों को काफी अध्ययन कर चुकी थी। एक बार चीन से आया हुआ दर्पण में उसके पास था, और उसकी जो सेविका थी, नौकरानी, दासी, उस दर्पण को ला रही थी। और आप जानते हैं, बंदर को भी दर्पण के आगे कर दिया जाए तो अपना चेहरा जरूर दिखेगा, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब दिखता है। शरीर के प्रतिबिंब को देखकर मनुष्य कितना खुश होता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन यदि वह अपने जीव के, अपनी चेतना के वास्तविक रूप को देख ले तो वह पागल हो जाएगा कि उसके अंदर तो इतना तेज है कि 16 सूर्यों का प्रकाश भी उसका सामना नहीं कर सकता। तो आप तो कहेंगे कि सूर्य का तेज है तो हमारे शरीर में तो जीव है, तो बर्फ में क्यों नहीं तेज दिखता? वो जड़ सूर्य का तेज जलाता है, चैतन्य जीव का तेज जो है चलाता नहीं है। जब आप समाधि में बैठेंगे, आपको जीव का जिस दिन स्वरूप दिखेगा तो 16 सूर्यों के बराबर उसका तेज दिखेगा। उसमें दाहकता नहीं होगी, लेकिन उसका तेज इतना बड़ा होगा। उसी तरह से जैसे ही मनुष्य अपनी चेतना को देखता है तो क्या सोचता है? मैं इस संसार से अलग हूँ। और जब उसका अखंड प्रेम राज्य से हो जाए तो शरीर से वो अपना नाता छोड़ देता है, शरीर का मोह छोड़ देता है। दर्पण में हम शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं देखते, चैतन्य जीव को नहीं देखते। शरीर से परे है इंद्रियां, इंद्रियों से परे है अंतःकरण, और अंतःकरण से परे क्या है? जीव है। जीव से परे है आत्मा, आत्मा से है परे परात्म, और परात्म से परे है राज्य। कहने लीला अक्षरातीत को जो परात्म के पार। हम सुंदर साथ तारतम ले चुके होते हैं, वाणी पढ़ते हैं, फिर भी संसार के सुख तो हमें मुंह में डालते ही हैं। हम संसार के सुखों के पीछे भागते रहते हैं, सब कुछ जानते हैं कि इन सुखों में कोई भी शांति नहीं है। राज जी ने क्या कहा है? तुम सियाने मेरे साथी, जिन रहो विखे रस लाल, पाँव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जा। अब देखिए, जो व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है उसको संसार बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जिसने अपनी आंखें बंद कर अपनी आत्मा के धरातल पर अंतर्दृष्टि को खोलकर स्वयं को देखने का प्रयास किया कि मैं कौन हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप इतने सुंदर साथ बैठे हैं, मैं पूछूं कि आपका स्वरूप क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या मैं दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ आपके सामने? आप नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आपका शरीर दिखाई पड़ रहा है। आप दर्पण में अपने को नहीं देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं। पूछा जाए कि नाम तो शरीर का होता है, तो जिसका नाम होता है, जिसका रूप होता है, वो तो काल के अधीन है। आपकी चेतना का कोई नाम नहीं है, आपकी चेतना को आंखों से नहीं देखा जा सकता। चेतना अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को देखती है, इसी को तो अध्यात्म कहते हैं। आप संसार के किसी भी पंथ में जाएंगे
तो एक बात कही जाएगी कि बाहर की आंखें बंद कर लो और अंतर की आंखें को खोलो। यहां से शुरू होता है शरीर के प्रति मोह। जानते हैं ध्यान कब लगता है? जब शरीर से और संसार से संबंध टूट जाए। सत्सुख हृदय में आए तो अरवा तभी निकस के जाए। जैसे किसी के शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या होता है? वो जीव, वो शरीर मुर्दा हो जाता है। यहां वाणी कह रही है कि सत्सुख हृदय में आ जाएगा। सत्सुख और नश्वर सुख दो सुख हैं। मैंने अभी आपको कहा अखंड सुख है, लेकिन वो पहले किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। आत्मा से अंतःकरण को मिलेगा। जब आपका किसी दिन चित ध्यान लग जाए, चितवनी गहरी हो जाए, राज्य के चरण कमल की एक झलकी झलक से मिल जाए, उस दिन आपके अंदर एक हृदय में एक विशेष मस्ती रहेगी जो दुनिया के किसी भी सुख में नहीं मिल सकती। आप अपने संसार की कुछ मस्ती पा सकते हैं। मान लीजिए कि अब आप मिनिस्टर बन गए, 10 करोड़ रुपये मिल गए, तो आप खुश तो होंगे, लेकिन उस खुश होने में और राज्य के चरणों के दीदार में जो आपको आत्मा को मिलेगा, जीव को मिलेगा, और जीव के माध्यम से हृदय को मिलेगा, तो समझिए हृदय में जो अखंड सुख मिलेगा उस सुख का रस अलौकिक होगा, और जो संसार के माया के सुखों में जो आपको अच्छा लग रहा है उसका सुख क्षणिक ही होगा। जैसे यहाँ जो भी सुंदर साथ हैं, इनको कहीं विदेश ले जाया जाए, यूरोप की सैर कराई जाए, या अपने देश में भी बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, श्रीनगर है, शिमला है, काफ़ी अच्छे स्थान है, आपको 5 स्टार होटल में रखा जाए, अच्छे फ्लाइट में घुमाया जाए, तो जो गांव का गरीब सुंदर साथ होगा, जो झोपड़ी में रहता होगा, वो क्या सोचेगा? मैं कितना सुखी हूँ। लेकिन वह सुख क्या है? क्षणिक है। जैसे रेगिस्तान में हिरण भागता जाता है, प्यासा हिरण दूर देखता है कि वहाँ पानी का तालाब है, वहाँ जाता है तो वह पानी नहीं दिखता, वहाँ तो चमकती हुई रेत दिखती है। उस रेत पर जब सूरज की किरणें पड़ी होती हैं तो लगता है कि पानी है, वास्तव में पानी की एक बूंद भी नहीं होती। वैसे ही जीव अज्ञानता में संसार के सुखों के पीछे भाग रहा है। सारे संसार की अज्ञानता का कारण क्या है जानते हैं? एक सुख का मोह। मेरा शरीर है और मुझे अपने इंद्रियों को, इस अंतःकरण को सुख चाहिए, इसी तो मैं तो मनुष्य प्रयास करता रहता है। आप किसी को कहिए कि तुम 1 घंटा चितवनी करो, तो क्या कहेगा? कि अभी समय नहीं है। और यदि उसको ऑफिस से कह दिया जाए कि तुम 2 घंटे तुम्हें काम करना है, तुम्हें पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, तो कहेगा कि मेरे पास बहुत समय है, क्योंकि वो धन के द्वारा सांसारिक वस्तुएं एकत्रित करेगा, क्या कर सकता है? अच्छा भवन बना सकता है, अच्छी गाड़ी खरीद सकता है, अच्छे कपड़े खरीद सकता है, भोजन खरीद सकता है, लेकिन इसका सुख कितने समय के लिए? क्षणिक है। ये नश्वर संसार है, इसका रूप हर पल बदल रहा है। ये संसार के प्राणी नश्वर सुखों के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको मोह किससे होता है? संसार के सुखों से मोह होता है। झूठे सुखों के पीछे भागने वाले संसार के प्राणी झूठ के पीछे भागते हैं और इसी को सब कुछ मानते हैं। अखंड सुख को चाहत, अखंड सुख की चाहत रखने वाले जो प्राणी होते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा के हृदय में उस प्राणेश्वर को बसाने का प्रयास किया होता है, और जब उनके हृदय को अखंड सुख की एक झलक मिलती है, तो क्या लगता है कि मैं इस संसार में रहूंगी नहीं। जो भी सुंदर साथ चितवनी में डूबते होंगे, जिन पर राज्य की कृपा बरसती होगी, जिनकी आत्मा के हृदय में प्राणेश्वर की छवि बस जाती होगी, उनकी सुरता इस संसार में रहने की इच्छुक नहीं है। वो नहीं चाहेंगे कि इस संसार का प्रधानमंत्री उनको बना दिया जाए। तभी कहा है जब सत सुख हृदय में आए तो अरवा तभी निकस के जाए। ये न सोचिए कि परमधाम के सुख की अनुभूति हो जाएगी तो शरीर छूट जाएगा। शब्दों का अर्थ क्या होगा? जिसको राज्य के सुख की अनुभूति हो जाएगी तो उसकी तो आत्मा तुरंत निकल जाएगी, शब्दों का अर्थ ये होगा। ये नहीं है, वाणी के भाव को समझना चाहिए। जैसे ये अलंकारिक भाव है, कोई व्यक्ति किसी से क्रोधित हो तो क्या कहता है?
आपको देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आग लग जा रही है तो ज्वाला तो दिख नहीं रही है, ये अलंकारिक कथन है। वैसे ही वाणी क्या कहती है, अंतस्करण आत्म के जब ए रहे समाए तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु तेरा। इतनी बड़ी बात है, आप अपने को जानते ही नहीं है कि आप कौन है। आपने अपने शरीर को देखा है, शरीर के रूप रंग को देखा है, इंद्रियों के सुखों को देखा है। कभी आपने सोचा है कि इस शरीर से परे भी कुछ है, इंद्रियों से परे भी कुछ है। इंद्रियों से परे जो हमारा अंतःकरण है ये तो इन सुखों के जाल में फंसा हुआ है। ये सुख हमारे लिए बंधन के कारण है। जो इन सुख के बंधनों को छोड़कर अखंड के सुख की लज्जत लेगा और अखंड के सुख का स्वाद केवल मिलेगा चितवनी से मिलेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हाँ ये जरूर है, जब आप वाणी पढ़ते हैं, सागर श्रृंगार पढ़िए, परिक्रमा में परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को पढ़िए, हौज कौसर की शोभा क्या है, मानिक पहाड़ की शोभा क्या है। वास्तव में जब आपके अंतःकरण में ज्ञान का रस प्रवेश करेगा तब भी आपको कुछ अखंड सुख की अनुभूति होगी, लेकिन अखंड आनंद आपकी आत्मा को केवल चितनी में मिलेगा, समाधि में मिलेगा, जब आपकी सुरता परम धाम के 25 पक्षों में विहार करेगी, युगल स्वरूप के नक्श से सिख तक की शोभा में विहार करेगी। इसके पहले अखंड सुख का अनुभव न तो कोई कर सका है न कर सकेगा। इसलिए हमारे जीवन का सर्वोपर लक्ष्य क्या होना चाहिए, आप 24 घंटे सुखों की चाहत करते हैं। सुख चाहना बुरा नहीं है, जैसे मैं हूँ आप भी हैं, यदि ये टेंट के ऊपर की परत हटा दी जाए और कहा जाए कि धूप में बैठ करके चर्चा सुनाओ तो ना मुझे अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा। सुख की चाहना बुरी नहीं है, महाराजा छत्रसाल जी भी सिंहासन पर बैठते हैं, जनक भी सिंहासन पर बैठते हैं, श्री जी के साथ 5000 की जमात चलती है, पन्ना जी में हर तरह से जाड़े का मौसम है तो वैसे जल भी दिया जाता है, गुनगुना जल दिया जाता है, गर्मी का मौसम है तो सुंदर साथ को गर्मी से बचाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो अंतःकरण सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता, क्योंकि चेतन क्या चाहता है, सुख। चेतन का स्वभाव ही है कि वो सुख और दुख का अनुभव करे। सुखों में रहिए लेकिन सुखों का मोह न रखिए। सुखों का मोह ही क्या है, अज्ञानता। इस शरीर को रखिए, दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। राज्य को पाने के लिए ये नहीं वाणी में कहीं लिखा है कि आप भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए, कहिए आप ये सोच लिए कि हफ्ते में मिहराज को 6 महीने में राज्य ने दर्शन दे दिया तो मैं भी खाना पीना छोड़ दूंगा, 6 महीने में मुझको भी दर्शन मिल जाएगा, ये नहीं कहा। दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। इसका अर्थ क्या है कि हम हठजोग की साधनाएं ना करके सुखे छोड़िए शरीर, तो इसका अर्थ है नहीं कि माया के विषय के सुखों में लिप्त हो जाए। देखिए विषय का सुख अलग है और एक स्वाभाविक सुख अलग है। यदि भूखों हम रहते हैं तो कष्ट तो होगा क्योंकि शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन हमें सामान्य आहार मिलता है तो उसी में हमें संतोष धारण करना चाहिए। जीवन कैसा हो, जीवन में संतोषशील और संतोष की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि हमारी तृष्णाएं बलवती हो जाएं कि नहीं मुझे इतना ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए, ये मिलेगा तो मैं खाऊंगा, ये आभूषण मिलेगा तो मैं अमुक कार्यक्रम में जाऊंगा, फ्लाइट की टिकट मिलेगी तो मैं यात्रा करूंगा या अन्यथा नहीं करूंगा, तो ये क्या है, तृष्णा। आपको जाना है सामान्य रूप से जाइए, जो सामान्य आहार है सामान्य आहार कीजिए और जो सामान्य भोजन है उसको ग्रहण करते हुए अपना जीवन बिताइए। बुद्ध ने यही कहा था, यही मध्यम मार्ग कहा था, घर ही में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में वास। इसका अर्थ क्या है, आप संसार में तो रहिए, संसार के भोगों के प्रति आसक्त न हो जाइए, आसक्ति ही तो बंधन का कारण है। गीता के अंदर इस सार्थ तो क्या दर्शाया गया है, कुरवन एवि कर्माणि जिज्ञासेत शास्ति समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष की आयु प्राप्त करो।
संसार के सभी कार्यों को कीजिए लेकिन उसमें आसक्ति न रखिए। यदि आप आसक्ति रखते हैं कि मुझे यह मिल जाए तो ये बंधन का कारण किया हो जाता है। महाराजा छत्रसाल जी के पश्चात पास एक साध्वी जाती है, जामनगर से आई थी, और देखती है उसको अंतर प्रेरणा हुई थी कि महाराजा छत्रसाल जी के पास जाओ, उनसे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। वो देख रही है कि महाराजा छत्रसाल जी तो सिंहासन पर बैठे हैं और नृत्य चल रहा है। उसने नाक को ऐसे दबाया, संकेत किया कि लगता है महाराजा छत्रसाल तो नाक तक माया में दबे पड़े हैं, मैं इनसे क्या ज्ञान लूंगी। अब छत्रसाल जी समझ गए, उन्होंने हाथ से अंगूठे को पकड़कर धरती पर दबा दिया। यह संकेत किया कि नहीं, तुम समझती हो कि मैं नाक तक माया में डूबा हूं क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठा हूं, और मेरा कर्तव्य है, जो एक राजा का कर्तव्य होता है वह मुझे पूरा करना पड़ता है, लेकिन मुझे माया ने नहीं दबाया है, मैंने माया को पैर के अंगूठे से दबा कर रखा है। मैं सिंहासन पर बैठा हूं, सिंहासन का मोह मुझे नहीं है। तब वो समझ गई कि हाँ, मेरे से भूल हो गई, चरणों में गिर पड़ी। और बाद में महाराजा छत्रसाल जी ने उनके साथ तेजस्वी बाबा एक महात्मा को कर दिया, उन्होंने जाकर खिजरा मंदिर की स्थापना की। तो कहने का से क्या है, जिनको ब्रह्मणियों में सर्वोपरि पद मिला वो महाराजा छत्रसाल जी भी सिंहासन पर बैठे हैं। भूल कब होती है, जब एक रिक्शा चलाने वाला, एक दूध बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला भी धन की आसक्ति में रखता है। तो गरीब हो या अमीर हो, जिसको आसक्ति के बंधन ने बांध लिया वो माया के बंधन में फंस जाएगा। और जो राजघराने में रहता हुआ भी उसके मोह से रहित है, मोह से रहित कब हुआ जाएगा, जब आप अपने हृदय में राज्य का प्रेम बसा लेंगे तो संसार में आपको रहना अच्छा ही नहीं लगेगा। आप देखिए, जब श्री जी की अंतर्ध्यान लीला होती है, छत्रसाल जी एक पल के लिए भी संसार में रहना नहीं चाहते। सोचिए, जो प्रतिदिन अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर की छवि को देखता है, उसको संसार का मोह भला क्या सता सकता है। हिमालय की संतों के संग निवास एक पुस्तक है, उसमें महात्मा स्वामी राम ने एक बहुत सच्ची घटना का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हिमालय की गुफा में मुझे एक ऐसे महात्मा मिले जिनकी उम्र बहुत अधिक थी, 100 के आसपास होगी। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि देखो, अब मेरे शरीर छूटने का समय आया है, मैं इस तन को छोड़कर एक दूसरे तन में प्रवेश करने वाला हूँ, तुम मेरे शरीर को जला देना। तो स्वामी राम कहते हैं कि आप इतने सुंदर शरीर को क्यों छोड़ना चाहते हैं। स्वामी राम ने कहा है कि मैंने जीवन में इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा था, और वो हंसते हुए कह रहे हैं कि मेरा शरीर छूटने वाला है, इसको तुम जला देना। तो जिसने इस हड्डी मांस के पुतले से परे होकर अपने निज स्वरूप को देखा है आत्मा की सुरता के द्वारा, अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान उस परब्रह्म के स्वरूप में अपनी सुरता लगाया है, उसको शरीर से मोह क्यों रहेगा, वो तो अखंड सुख में विहार कर रहा है। जिसको अखंड के सुख का स्वाद आ जाएगा, वो संसार के झूठे सुखों के पीछे नहीं भागेगा, शरीर के पीछे नहीं भागेगा। हाँ, संसार के संसाधनों का उपयोग करेगा, जैसे महाराजा छत्रसाल जी के लिए मजबूरी है कि वो गुदड़ी ओढ़ करके तो सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, लकड़ी के तख्त पर बैठकर तो प्रजा का पालन नहीं किया जाएगा, वो राज्य का आदेश है तो सिंहासन पर भी बैठे हैं लेकिन सिंहासन का मोह उनको नहीं है। जनक सिंहासन पर बैठे हैं लेकिन सिंहासन का मोह उनको नहीं है। इसको कहते हैं, जल में नहाइए कोरे रहिए, कीजिए अंतर में वास। अंतर में वास का तात्पर्य क्या है, पिंड और ब्रह्मांड से जो परे विचरण करे, न शरीर में रहे न संसार में रहे, जो अपनी सुरता से परम धाम के 25 पक्षों में रहता है उसके हृदय को वहां का सुख मिलता है। सुख और आनंद, मैंने कहा एक ही बात है आध्यात्मिक रूप से, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, जैसे पानी और बर्फ में अंतर होता है।
बर्फ क्या है? जमा हुआ है। पानी क्या है? बहता हुआ है। आत्मा अखंड आनंद का रसपान करेगी और हृदय अखंड सुख का अनुभव करेगी। क्योंकि सुख शब्द क्यों है? सुख और आनंद में क्या अंतर है? कि आनंद परब्रह्म का स्वरूप है। उस आनंद को मन भी अनुभव कर रहा है, चित्त भी अनुभव कर रहा है, बुद्धि भी अनुभव में ला रही है, अहंकार भी अनुभव में ला रहा है। सबकी अलग अलग भाषा है। चित्त में उसके संस्कार बसे हुए, कि जैसे आपने सपने में राज्य के चरण को देखा, मुखारविंद को देखा, तो आप सवेरे उठकर बार बार उसको याद कर रहे हैं कि ऐसा है। चित्त का सुख अलग है, मन का सुख अलग है, बुद्धि का सुख अलग है। बुद्धि से उसकी विवेचना करके आपका हृदय आनंदित हो रहा है कि राज्य का सुख कैसा होता है। देखिए, मस्तिष्क में दो विशेषताएं होती है, एक तो भाव प्रधान होता है, एक ज्ञान प्रधान होता है। ज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से देखता है और भावुक व्यक्ति, भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति, भाव की दृष्टि से देखता है। तो बुद्धि हमेशा किसकी दृष्टि से देखेगी? विवेचना की दृष्टि से देखेगी, वो ज्ञान के चक्षुओं से देखेगी। मन जो भावुकता में डूब गया है तो किसकी दृष्टि से देखेगा? भाव से देखेगा कि राज्य की मैंने शोभा को देखा। शोभा कितनी है इसकी विवेचना करना बुद्धि का काम है। चित्त किस तरह से चिंतन में लाएगा कि जो सुख मिला था उसको बार बार अखंड किए रखना चाहेगा। इसलिए मैंने कहा कि तीनों के अनुभव करने का सुख अलग अलग है। इसलिए आनंद का जो विषय होता है एक रस रहता है। ये बात सबको हृदय में आनी चाहिए कि आनंद अलग है, सुख अलग है। अखंड आनंद अलग है और अखंड सुख का अनुभव कौन करता है? हमारा अंतःकरण करता है। तभी वाणी कह रही है, ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप जुगल, सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बलवान। हृदय आत्मा के लीजिए, आत्मा का हृदय। अब आप सोचेंगे कि आत्मा का हृदय अलग है? हाँ अलग है। परात्म का जो अंतःकरण है, परात्म का अंतःकरण अलग है, आत्मा का अंतःकरण अलग है। परात्म के अंतःकरण का प्रतिबिंब ही आत्मा है, जो अलग अंतःकरण का निर्माण कर लेती है। कैसे? जैसे आप दाहोद में सो गए हैं, सोते समय आप मुंबई चले गए, वहाँ किसी से सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार से आपका झगड़ा हो गया, तो क्या होगा? आपने भी उसको एक चांटा मार दिया, उसने भी आपको एक चांटा मार दिया, तो वहाँ भी आपका मन काम कर रहा है। असली मन कहाँ है? दाहोद में। और नकली मन कहाँ चला गया? मुंबई में। तो वहाँ भी आपका अंतःकरण हुआ कि नहीं? इसी तरह से परात्म का जो अंतःकरण है, जो सोचेगा हमारी आत्मा के अंतःकरण में आएगा। परात्म के अंतःकरण रूह जीती बीतत बात, तेते इन अंग आत्म के करत अंग साक्षात। परात्म का अंतःकरण अलग हुआ, उसी का प्रतिबिंब हमारी आत्मा का अंतःकरण हुआ। और इन आँखों से जो देख रहे हैं, त्वचा से जो स्पर्श कर रहे हैं, जो कुछ सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आपका अंतःकरण कर रहा है। और जीव दृष्टा होकर के बैठा हुआ है और आत्मा जीव के ऊपर बैठकर इस सुख दुख की लीला को देख रही है, यही कहानी है। इसलिए यदि आपको अखंड सुख चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन युगल स्वरूप की छवि को दिल में बसाना पड़ेगा। तभी वाणी कह रही है, अखंड सुख हृदय आए तब अरवा तभी निकस के जाए। याद रखिए, राज्य के सुखों की अनुभूति से किसी का भी शरीर न छूटा है न छूटने वाला है। वेद में एक मंत्र में क्या कहा गया है कि उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी तरीका नहीं है। मान लीजिए आप कहीं पहाड़ी पर जा रहे हैं, आपका पैर फिसल जाए तो आप क्या सोचेंगे? फिसलते समय जरा सी आपको सावचेत होगी, कहेंगे कि हे राजी बचाइए। आपको अटैक आता है तब भी किसका नाम लेंगे? राजी का नाम लेंगे। इसलिए डरिए नहीं, राजी जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं, जिसके हृदय में राजी की छवि बसती है, उसको मौत भी डरा नहीं सकती। और शरीर तो नश्वर है, भयभीत होकर शरीर क्यों छोड़ना? इसलिए एक बहुत कई वर्षों की बात है, एक बहन से मैंने पूछा था कि तुम चितवनी करती हो?
वो बहुत पढ़ी लिखी थी, वैसे शिमला के कॉलेज में उसकी पढ़ाई हुई थी। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो चितवनी करती थी पहले, अब छोड़ दिया है क्योंकि मेरा, मैं तो मर जाऊंगी चितवनी करूंगी तो। मैंने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम चितवनी करने से मरोगी नहीं, क्योंकि उसको बकाने वालों ने बका दिया था कि चितवनी करोगी रात जी आएंगे तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। इसलिए इतनी पढ़ी लिखी होकर के भी, सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी से उसका विवाह हुआ था, ये बात है कम से कम 15 वर्षों पूर्व। आप सोचिए, डर के मारे उसने चितवनी छोड़ दिया। तो आप इस चौपाई का अर्थ ये मत समझ लीजिए कि जो यदि अखंड का सुख हृदय में, सत सुख हृदय में आ जाएगा, अखंड सुख आ जाएगा तो हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देगी, इसलिए चितवनी न करो। चितवनी अवश्य कीजिए, जीवन को सफल बनाना है, महाराजा छत्रसाल जी की तरह बनना है, उनकी तरह ना बनिए, उनके बताए हुए रास्ते पर तो चलिए, लालदास जी के पद चिन्हों पर चलिए, संसार को भी देख रहे हैं, परम धाम को भी देख रहे हैं। बंगला जी दरबार में श्री जी पूछते हैं, बताओ लालदास, हौज कोसर की पाल ठोस है कि बोली है? लालदास जी वहीं घुसा मारते हैं धरती पर, बम की आवाज़ आती है, कहते हैं कि श्री जी हौज कोसर की पाल बोली है। कितना आत्मविश्वास है। राज जी ने जब तक आपको सांसें दी हैं, संसार के सुखों के पीछे मत भागिए, संसार का कोई भी सुख का बंधन आपको मुंह में न डालने पाए। इसके लिए क्या करना होगा? वाणी का चिंतन आपके हृदय में बसा होना चाहिए। युगल स्वरूप की चितवनी, 25 पक्षों की चितवनी आपके हृदय में बसी रहेगी तो माया गई पुताने घेर, हवे आत्म तू जगयाने के। आप संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रहेंगे, आपकी सुरता 25 पक्षों में विहार करेगी। इसको क्या कहेंगे? अरवा तभी निकस जाए। जब सत सुख धनी पाया, जब हमें अखंड सत सुख की प्राप्ति होती है, जब धनी के अखंड सुख की प्राप्ति होती है, तब जीवरा क्यों कर पकड़े काया। देखिए यहां भी वही बात कह रही है, जब अखंड सुख की प्राप्ति होती है तो जीव इस शरीर को क्यों पकड़े रहेगा। इसका अर्थ क्या है? ऐसा मत समझ लीजिए कि जो चितवनी करने लगेंगे उनका जीव शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। शरीर का मोह छोड़कर जीव अलग हो जाएगा, ये आशय। कुछ अलंकारिक कथन होते हैं जिनके आशय को समझे बिना शब्दों का अर्थ लेंगे तो उल्टा भाव निकल आएगा। हमारे जीवन की सार्थकता किसमें है? राज्य के दीदार में। ये शरीर क्यों मिला है? संसार के सुखों के भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है। हमसे अच्छा संसार का सुख कौन भोगता है? पशु पक्षी भोगते हैं। अब देखिए, हम यदि फ्लाइट में यात्रा करना चाहें तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। पक्षी को तो जन्मजात से ही आकाश में रहना है। हम कोई फल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा कमाना पड़ेगा। पक्षी जब चाहे तब खा सकते हैं, मछली जब चाहे तब पानी में तैर सकती है। हर एक भोग योनि में प्रकृति ने कुछ न कुछ विशेष उसको सुविधा दी है। मनुष्य को केवल मस्तिष्क मिला है। वो मस्तिष्क किस लिए मिला है? कि वो विवेक करे कि ये मानव जीवन क्यों मिला है। सभी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो मानव जीवन को पाने का एक ही उद्देश्य है, केवल सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति। आपको ये मानव तन मिला है, संस्कार मिले हैं, राज्य की विशेष कृपा मिली है, तभी तो आप सारे सुंदर साथ यहाँ बैठ करके आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। संसार का हर प्राणी कहीं ना कहीं शांति चाहता है, इसलिए वो आँखें बंद करता है कि नहीं, मुझे इस संसार को अब नहीं देखना है, इस संसार से कोई मोह नहीं रखना है। इस संसार से आसक्ति न रखना ही जीव का इस शरीर से अलग होना है। जीव शरीर को कब तक पकड़े रहेगा? जब तक उसको तृष्णा रहेगी। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर में। वाणी क्या कह रही है? लगी वाली कछोर न देखे, जिसको लग जाती है उसकी, जो उसके प्रेम में डूब जाता है, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, न उसके लिए शरीर होता है न संसार होता है, दोनों होते तो दोनों हैं। क्या आपको राज्य से मिलन हो जाएगा तो सूरज उगना बंद कर देगा या प्रलय हो जाएगा? जब तक सृष्टि को चलना है
सृष्टि चलती रहेगी, आपका शरीर भी संसार में चलता रहेगा, लेकिन आपको इस शरीर से कोई मोह नहीं रह जाएगा और ये संसार की नश्वरता का आपको बोध हो जाएगा। आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो आपको दुख नहीं होगा। जैसे आज देखें, यदि कोई व्यक्ति 70 साल का भी हो जाता है तो अपने बालों को काला रखना चाहता है, वो जानता है कि मेरे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन कोई भी बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। तो प्रकृति के संसाधनों से अपने को संतुष्ट रखता है कि देखो मैं भी काले बाल वाला हूँ, मैं भी जवान हो गया हूँ। वास्तव में इसका असर क्या होता है? लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वको हरि नहीं। जिसकी नज़र प्रीतम की तरफ मुड़ जाएगी, जो पल पल अपने हृदय मंदिर में अपने प्राणेश्वर को बसाया करेगा, उसको शरीर और संसार का मोह छूट जाएगा। इसको कहते हैं पिंड ब्रह्मांड वको हरि नहीं। न तो उसके लिए शरीर का मोह है, न संसार का मोह है। जो शरीर और संसार का मोह छोड़ देगा उसको कहा जाएगा अब तो ये संसार के काम के नहीं रहे। जब कोई घर में बच्चा राज्य का ध्यान करने लगता है तो घर वालों को डर, जानते हैं क्या होता है, कहीं ये विरक्त न हो जाए। और विशेषकर ये पंजाब में ज़्यादा होता है, गुजरात में भी होता है, क्योंकि गुजरात और पंजाब में बहुत मोह होता है। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा घर छोड़े, इसलिए क्या करते रहते हैं, उसको सुखों के बंधन में बांधते हैं कि इन्हीं सुखों में उलझा रहेगा और कुछ नहीं, जल्दी जल्दी शादी करा दो, परिवार में बंध जाएगा, इसका एक बंधन हो जाएगा। वाणी क्या कह रही है? लगी वाली, जिसको लग जाती है। एक मनुष्य ऐसा होता है जिसकी लगन संसार में होती है, और जो संसार से मर जाता है, जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दुनी करी मुर्दार। संसार को मरा हुआ कौन समझता है? जो संसार से मर जाता है। उसको फूलों के हार दे दीजिए या पत्थरों की मार दे दीजिए, कोई परवाह नहीं। 56 भोग दे दीजिए या सूखे चने दे दीजिए, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको सोने के सिंहासन पर बैठाइए या जमीन पर बैठाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता। मान हो अपमान, सुख हो या दुख हो, जन्म हो मरण हो, ये संसार की प्रक्रिया है। इन बंधनों से कौन ऊपर उठेगा? जिसकी आत्मिक दृष्टि परम धाम से जुड़ जाएगी, जो काल माया युग माया को पार करके निराकार के इस मंडल को पार करके बेहद में प्रवेश करेगा, योग माया को पार कर परम धाम में प्रवेश करेगा, उसको लगेगा कि ये तो सपना है। और जिसकी सुरता 25 पक्षों में नहीं भ्रमण करेगी, जो संसार में ही फंसा रखा है, उसके लिए क्या रहेगा? वो साधारण प्राणी तो पैसे के लिए लड़ेगा, प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगा, वर्चस्व के लिए लड़ेगा, और अपनी आयु का ये अनमोल समय खोता जाएगा। इसलिए जो उसके प्रेम में डूब जाता है वो क्या पुकारता है? जित देखो तित श्याममयी है, मेरी नजर जिधर जा रही है उधर तू ही तू जा रहा है। हक किलम जित पहुँच या तित अर्ष हुआ देखा दिल हक। राज्य का तारतम ज्ञान जिसके हृदय में प्रवेश कर जाता है, उस हृदय में क्या चाहत रहती है? कि मैं अपने हृदय में प्राणेश्वर को बसाऊँ। तभी वाणी का आदेश है, ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप जुगल, सूरत न दीजिए टूटने फेर फेर जाइए बलबल। अखंड सुख कहाँ मिलेगा? राज्य के चरणों में। अखंड आनंद कहाँ मिलेगा? राज्य के चरणों में। आत्मा को दीदार होगा तो आत्मा को अखंड आनंद मिलेगा, और उस आनंद की एक सुगंध की झलक जो है हृदय में मिलेगी, उसको क्या कहेंगे? अखंड सुख। यदि आपकी नज़र उधर नहीं होती है तो सुख तो मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सुख मिलेगा, बंधन ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ सारे सुंदर साथ बैठे हैं, सबको अपने जीवन का अनुभव होगा। देखिए, जिसको नौकरी मिलती है कुछ सालों के बाद रोना रोता रहता है कि बोनस नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिली, मैं कहाँ से फंस गया, बिजनेस करता वो ठीक था। जिसको नौकरी नहीं मिली है वो रोता रहता है कि इसको तो बहुत नौकरी मिली है, कितना आनंद से रह रहा है, मैं दुखी हूँ। जो करोड़पति है वो सुख सुविधा में रह रहा है,
लेकिन उसको शांति नहीं है, रात को सोते समय नींद की गोली लेकर के सो रहा है। और जो कोई महात्मा है सोचता है कि ये करोड़पति आदमी है, कितनी सुख सुविधा में रह रहा है, ये कितना सुखी है। वास्तविकता क्या है? सभी दुखी हैं, सभी एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं, लेकिन जिसको सुखी समझ रहे हैं उससे अकेले में जाकर के पूछिए तो वो सबसे ज़्यादा अपने को दुखी बताएगा। एक बार बिरला के पास शंकराचार्य जी गए, बिरला महोदय को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आयुष्मान भव। बिरला महोदय ने कहा कि नहीं महाराज, ये अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, मुझे तो आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं मर जाऊँ। शंकराचार्य कहने लगे, भाई मैं तुम्हें मरने का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। बिरला महोदय कहते हैं कि देखिए महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, दुनिया का सबसे दुखी प्राणी कौन है तो मैं हूँ। मेरे चारों इर्द गिर्द देखिए, ये पहरेदार खड़े हैं, मेरे सुरक्षा गार्ड कर्मी खड़े हैं, इनकी इच्छा के बिना मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं चाहूँ कि किसी अपने घनिष्ठ मित्र से अकेले में बात कर लूँ तो दरवाजे के बाहर भी कोई ना कोई खड़ा रहेगा। मैं अपनी इच्छा की कोई वस्तु खा नहीं सकता, मेरा जीवन तो एक कैदी की तरह है। आप जितने महत्वपूर्ण लोगों को देखिए, जिनको VIP कहते हैं, उनको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन जानते हैं उनका जीवन कैसा होता है? वे कैदी का जीवन जीते हैं, न अपनी पसंद का खा सकते हैं, न किसी से मिल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री भी अपनी पसंद का कुछ नहीं खा सकते, जो जांच करके दिया जाएगा वही खाएंगे। कहने का से क्या है, मनुष्य जिसको सुख समझता है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, अखंड सुख नहीं है और सुख भी क्षणिक है। यही तो संसार के बंधन का कारण है कि संसार के प्राणी इन झूठे सुखों के पीछे भागे जा रहे हैं। उनमें स्थिरता नहीं है। स्थिरता किसमें होगी? जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा और दृष्टा होकर देख रहे होगा। तुम आइया छल देखने, भील गईया माए छल, छल को छल न लागी वो लहरी वो जल। ये छल का संसार है। हम सुख को सुख समझते हैं, वास्तव में दुख है। जैसे पांडवों के महल में जब दुर्योधन गया तो उसको जहाँ पानी था वो समझता था कि जमीन है तो गिर पड़ा था, और जहाँ जमीन होती थी उसको भ्रम होता था कि पानी है तो कपड़े उठा लेता था, जहाँ दीवार होती थी समझता था कि खाली है, दीवार से टकरा जाता था। तभी द्रौपदी ने हंस कर कहा था कि अंधों के बेटे अंधे ही होते हैं। उसी तरह से इस संसार में आदि नारायण को नहीं मालूम है कि अक्षरातीत कहाँ है, कैसा है। जो आदि नारायण के अंश से प्राणी प्रकट हुए हैं मोह सागर में, चाहे वे कितने भी विद्वान हैं, वो निराकार से परे की बात तो नहीं जानते। आप सब सुंदर साथ को निराकार से परे का ज्ञान दिया गया है। आप देवी देवताओं से परे स्वलीला अद्वैत उस सच्चिदानंद परब्रह्म की अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से आराधना करते। आपका जीवन स्तर संसार के जीवों से अलग होना चाहिए। यदि उन्हीं की तरह आप भी दुखी होंगे, उन्हीं की तरह आप भी कर्मकांड में फंसे रहेंगे तो यह आपके लिए शोभनीय नहीं है। परमधाम की आत्माओं के लिए राज्य ने इस प्रकरण में शिक्षापन दी है, जब सत्सुख हृदय आए तो अरवा तभी निकस के जाए। जब प्रीतम से प्रेम हो गया तो शरीर का मोह नहीं रह गया, अखंड सुख आया तो आत्मा शरीर को रखना नहीं चाहती है, अर्थात शरीर के बंधनों से परे आत्मा की दृष्टि हमेशा परमधाम के 25 पक्षों में लगी रहती है। और यही जीवन का सार होता है यदि हमने समय रहते इस कसौटी पर अपने को खड़ा किया कि दिख दिख पढ़ो मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरे बुद्ध को याद न किया धनिधाम, जहर जिमी से लग रही भूले अठो जाम। ये संसार जहर भरा है, विष का बिछौना है, विष का संसार है, विष की इंद्रियां हैं, विष का शरीर है। हमारे विषय भोग सभी विषैले हैं, जिन विषयों के पीछे संसार भागा जा रहा है हम उनके पीछे न भागें। तभी तो महामती जी ने क्या कहा है, तुम स्याने मेरे साथ जी जिन रहो विखे रसला, पाँव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जा।
तुम स्याने हो, स्याने किसको कहते हैं, जो चतुर हो। संसार तो विषयों में फंसा है, आप देखिए अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, आपके सामने गाय का मांस रख दिया जाए तो आपको उल्टी हो जाएगी। और विदेशी क्या करते हैं, सवेरे नाश्ते में उनको गाय का मांस चाहिए, दोपहर को भोजन में चाहिए, रात को भोजन में चाहिए, पीने के लिए जूस नहीं चाहिए, पहले उनको बियर चाहिए, उनको उसी में आनंद है। आप संसार देखने आए हैं, संसार में फंसने के लिए नहीं, आप खेल बनने के लिए आए हैं, खेल को देखने के लिए आए। खेल को कैसे आप देख सकते हैं, जब आप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं, अखंड के सुख को रसपान करें, शरीर से संसार से न आपके जीव को मोह रह जाए, न आत्मा को मोह रह जाए, तभी यह वास्तविक जीवन होगा संसार के हर प्राणी के लिए। और इसके लिए आवश्यक क्या है, आप किसी को भी जीव मत समझिए। आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य होना चाहिए केवल परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान को संसार में फैलाना। जिनके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं है, आप देखते हैं वो हिंदू समाज का वो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, कहाँ भटका होता है। पहले तो जड़ पूजा से अलग नहीं हो सकता, अलग भी हो गया तो निराकार में भटकता है। आपको निराकार के पार उस अक्षरातीत की शोभा का ज्ञान मिला है। आप वाणी के चिंतन के द्वारा उस ज्ञान को आत्मसात कीजिए। बैठे बातें करे बका अर्श की तितभीष्ट भई बैठक, दुनी बातें करे दुनी की आखिर तीर्थोचक। आप जहाँ भी रहिए चर्चा कीजिए राज्य की कीजिए, अपने एक एक पल का उपयोग राज्य की शोभा को दिल में बसाने के लिए कीजिए। आपका जो समय राज्य की चितवनी में जाएगा, राज्य की वाणी के चिंतन में जाएगा, वही आपका अखंड धन है। उस अखंड धन को अपने हृदय में बसाइए, उससे अखंड सुख मिलेगा, आपके हृदय को भी मिलेगा और अखंड आनंद आपकी आत्मा को मिलेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया, केवल तारतम लेकर ये कहलाते रहे कि मुझे तारतम लिए हुए इतने साल से हो गए, हमारी पहले की पीढ़ी भी तारतम ली हुई थी, हम तो जन्म के सुंदर साथ हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। इसका फल केवल यही होगा कि आप अपने मन को संतोष देते फिरेंगे। यदि अखंड सुख की रसधारा आपके हृदय में नहीं आई, तो झूठे सुखों की तृष्णा आपको दुखी करती ही रहेगी। चाहे आप कितने भी धनवान बन जाए, कितने भी पढ़ लिख लें, सुख सांसारिक सुखों की तृष्णा में आपका चेहरा मुरझाया रहेगा, आप तनाव से गुजरते रहेंगे। इसलिए चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरीय सृष्टि हो या जीव सृष्टि हो, सबके लिए एक ही नियम है कि यदि अखंड सुख का रस पान उनका हृदय कर लेता है, तो उनका हृदय संसार के मोह के बंधनों से परे हो जाता है। उनका हृदय अखंड के सुख का रस आस्वादन करने लगता है, उसमें बैठी हुई चेतना दृष्टा भाव से संसार को देखने लगती है। और यही है जीवन का रस, जिस पर महाराजा छत्रसाल जी ने चलकर दिखाया, उन सभी ब्राह्मणियों ने उस पर आचरण करके दिखाया है, जो हमारे लिए एक आदर्श है। और यदि हम उस मार्ग पर चलते हैं तो इत भी धन होंगे और उत भी धन होंगे। हमारा सुंदर साथ कालाना सार्थक होगा कि बड़ी बड़ाई इनकी जाके सिफत करे सुपान। संसार तो अक्षरातीत की महिमा गाता है और अक्षरातीत हमारी महिमा गाते हैं कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रिगुण। यदि वास्तव में हमें अपनी गरिमा का आभास है, तो अखंड सुख का रसपान करना हमारा नैतिक अधिकार है। और इसके लिए हर सुंदर साथ को चितवनी में युगल स्वरूप के और चिंतन में वाणी के डूबना ही पड़ेगा। यही हमारी नियति है और यही हमारी नीति भी होनी चाहिए। अब चुपाई दे। सत सुख हृदय में आवे, अरवा तभी निकस के जावे। जब सत सुख धनी पाया, तब जीवरा क्यों कर पकड़े काया, तब जीवरा क्यों कर पकड़े काया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।